कैसे कोई सब म्यूट नहीं होते तो बोलने का नहीं। ओके बोलो। प्रत्यक्ष दादा भगवान नी साक्षी वर्तमान महाविदे क्षेत्र विचरता तीर्थंकर भगवान श्री श्रीमंदर स्वामी ने नमस्कार करूचु उदासीन भावे काल ज्या वर्ते छे काय मनो महाविदे ने नमस्कार करूचु पांच विषयोनी परम वृत्ति निकृत पंच परमेष्टि प्रतिष्ठ अनादि स्वामी ने नमस्कार करूचु विराट स्वरूपी ब्रह्मांडी व्यापक परमात्मा जय सरस्वत मुक्त दे नमस्कार करू ही मोर लागे केवल ज्ञानी हरियन श्री श्रीमंदर जी ने स्वने नमस्कार करू छु श्री श्रीमंदर जी ने स्वने नमस्कार करू छु जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये तो कबीरा जैसे कहते हैं। नहीं ऐसे नहीं गाते। आपने सुना कविराज को ये पद कितनी दफा सुना? हाँ। आपने अभी वापस सुना सब बार। ये आज का रिकॉर्डिंग आपका सुनना और कविराज का सुनना। ओके ओके। हाँ तो आप ये पसंद क्यों किया ये हाँ, पद आपने क्यों पसंद किया? सिमंदर स्वामी गाया था इसलिए। ओ महेशा ने गया था। ओके ओके। तो एक बार सिमंदर स्वामी गा रहा तो मेरे को याद आया था इसलिए। ओके चलिए दादा थोड़ा बात करो ये पद में सम्यक भाई के साथ। पूछिए सम्यक क्या जानना चाहते हैं सिमंदर स्वामी के बारे में? आप क्या जानते हैं ये पद में क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ अभी तक तो जानते होंगे ना सत्संग से सिमंदर स्वामी के बारे में उनकी भक्ति के बारे में तो बोलिए आप उससे हम आप बात आगे बढ़ाएं। वो वर्तमान तीर्थंकर है तीर्थंकर है प्रत्यक्ष दादा भगवान की हाजिरी में हमारा नमस्कार उनको पहुंचते हैं। बिल्कुल तो सिमंदर स्वामी आज विद्यमान है वहां पर। 3 लाख साल का उनका आयुष्य बताया जाता है। 3 लाख यहाँ के मापदंड के अनुसार 3 लाख में से करीबन 2.25 लाख हुए हैं और 1.25 लाख वर्ष में अपनी अगली 24 में यहाँ 7वें और 8वें तीर्थंकर के समय तक वो वहाँ विद्यमान रहने वाले हैं। तो हम उनकी भक्ति करते हैं उनकी पहचान रखते हैं उनका अनुसंधान रखते हैं और दादा भगवान के विज्ञान से हमारा आंतरिक विश्व हमारे अंतर में ऐसे परिवर्तन होते जाएं कि हम 4थे आरे के लायक हो जाएं और वहां पहुंच के वहां से मोक्ष में जा सके। हाँ। आपको पद के कुछ शब्द समझना है तो आप वो लाइन बोल सकते हैं तो उसके ऊपर भी हम बातचीत कर सकते हैं या तो फिर हम आगे चलें। उदासीन भावे काल तो इसका मतलब ये है कि हमारे भरत क्षेत्र में काल मैंने काल के लक्षण का परिवर्तन होता है। काल तो खुद तो वितराग है मगर यहाँ का जो समय चक्र है वो राइजिंग टाइम और फॉलिंग टाइम ऐसा माना जाता है। वो सर्पिणी मीन्स फॉलिंग टाइम। तो ये टाइम जो है हम फॉलिंग हाफ के 5वें स्लॉट में है। तो पहला स्लॉट होता है सुखम सुखम फिर होता है एक सुखम
फिर होता है सुखम दुखम, फिर होता है दुखम सुखम, और फिर होता है दुखम, और फिर दुखम दुखम। तो पांचवें काल में दुखम या दुसम काल मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा सुख और ज्यादा दुख, ऐसा ये समय है। और इसके बाद जो आने वाला है स्लॉट अभी 18,000 वर्ष के बाद, तो दुखम दुखम मैंने दुख ही दुख का समय आने वाला है, फिर वापस राइजिंग टाइम चलोगा। मगर महाविदेह क्षेत्र जो है वहाँ हमेशा एक समान काल है, ऐसा कहते हैं। चौथे आर्य का जो यहाँ का समय था सतयुग का और द्वापर युग का, वो चौथे आर्य का समय बताया जाता है, वहाँ उसी प्रकार का वातावरण लक्षणों से रहता है। इसीलिए बताया है कि वहाँ का काल एक समान बह रहा है। जय सच्चिदान। जय सच्चिदान। विशाल आप तो बहुत बातें करते रहते, अटेंशन नहीं करते इधर। आपका क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन? हमें कह रहा मुझे कह रहा था कि कल मेरा